याद रखिए, हमारी जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है कि आपकी आवाज होगी तो आपके वोटों से होगी। अगर आपके वोटों से आपका नुमाइंदा नहीं जीतता है तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप यहां मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार शकील समा के हक में देकर आप उनको कामयाब करेंगे तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा में आप यहां तक आवाज सुनेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठकर 25 जुलाई को आपके लिए जमीन के मसले पर आवाज उठाता है तो उसकी कोशिश को आपने यहां पर सुना, और जब शकील समा गुजरात की विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आप सुनेंगे। आप शकील समा को कामयाब करिए। मैं भाजपा हुकूमत को यह बता रहा हूं कि इलेक्शन का चुनाव जरूर है, मगर याद रखो, अगर इस बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर बसने वालों से ऐसी नाइंसाफी की जाएगी तो तैयार हो जाओ भाजपा वालों, हम रोड पर निकल कर आएंगे, भैंसों के साथ निकल कर आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे हम, उस जगह पर आएंगे जहाँ पर मुख्यमंत्री का घर होगा, और वहां पर आकर हम तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हम नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सरजमीन पर बसने वाले बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। 40% हमारी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो नहीं चाहता कि उसका बेटा और बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मगर स्कूल नहीं खोले जाते और सिर्फ दिल फरेब बातें की जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इस बार आपको एक अच्छा फैसला लेना है ताकि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भी जाएंगे।